श्री रामकृष्ण ने आज आपको दुर्बलता नाशक, युवावस्था की दुर्बलता हो या वृद्धावस्था की दुर्बलता, किसी प्रकार के प्रमेह के कारण दुर्बलता हो, धातु स्त्राव के कारण दुर्बलता हो, उसके लिए आज आपको दो घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ जो बड़े सरल, सुलभ और निरापद और आपको अपने स्थान पे निकट मिल सकते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें सस्ता सुंदर इलाज मिल सके। और बेल आइकॉन घंटे दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए नए अपडेट वीडियो आप तक जल्दी मिल सके आपको। मैं डॉक्टर गुणा सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ युवा अवस्था या वृद्धावस्था की दुर्बलता नाशक। ऐसे घरेलू दो उपाय बता रहा हूँ जो आपको करने में कठिनाई नहीं आएगी, बड़ी सरलता से आप इसका उपयोग करके आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद के साथ लाभ ले सकते हैं। पहला तो ये है गोक्षुर चूर्ण। गोक्षुर छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का काम एक ही है। गोक्षुर चूर्ण लीजिए और उसके साथ में तिल के चूर्ण। तिल तीन प्रकार के हैं, आप संकट में पड़ेंगे या कुछ जहां तिल की उपज होती है तो एक वहम होता है, तिल सफ़ेद होते हैं, तिल काले होते हैं और तिल हल्के ललाई लिए भी वो मिल सकते हैं। तिल लीजिए जहाँ तक काले मिले आपको, बाकी ना मिले तो आप अल्टरनेट में सफ़ेद या दूसरे तिल भी ले सकते हैं। इन संभाग दोनों का चूर्ण बना लीजिए और उसको शहद के साथ में लीजिए। और फिर अगर बकरी का दूध मिले तो सबसे बेस्ट है बकरी का दूध। दूसरे नंबर पर है गाय का, और जब नहीं मिले ये दोनों तो तीसरा विकल्प तो यही है कि आप भैंस का दूध लें, या बाज़ार में मिलता है जो दूध उसकी कोई गारंटी नहीं है किसका दूध है, आप जैसा भी दूध है आप ले लीजिए। आप अगर गांव में रहते हैं, बकरी सुलभ हो तो बेस्ट रिजल्ट उसका है। आप इसको सुबह शाम लीजिए चूर्ण को, तो आपके अंदर धातु के द्वारा जो दुर्बलता आई है और उसमें आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देगा। अगर हस्तमैथुन पीड़ित भी अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करेगा तो उसकी जो दुर्बलता आई है उससे वो दुर्बलता दूर हो जाएगी। ठीक ऐसा ही दूसरा एक और उपाय है, गोक्षुर के साथ में आप शतावरी चूर्ण लीजिए। ये आपको बाज़ार में सुलभ आराम से सभी दुकानों पर मिल जाएंगे, इतनी कोई कठिनाई नहीं है। आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का प्रोडक्ट ले लीजिए जिसमें बैद्यनाथ हो, ऊंजा हो, सांडू हो, झंडू हो या पतंजलि हो, जिस किसी का भी आपको जो मिलता है चूर्ण आप वो खरीद लीजिए दोनों को। उन दोनों को आपस में मिला दीजिए, मिलाने के बाद आप उस चूर्ण का अगर सेवन करेंगे तो आपके अंदर दुर्बलता के जो विकार हैं और जो बुढ़ापे के जो समय में जिनको जो निर्बलता रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये। इसलिए जब दुर्बलता में आप अशक्त महसूस करते हो और बुढ़ापे में आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो तो इन दोनों का चूर्ण आप लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। शतावर और गोक्षुर दोनों को संभाग लेना है, और संभाग लेंगे निश्चित है आपके अंदर जो कमज़ोरी है और धातु के जो विकार हैं, प्रमेह के जो विकार हैं वो भी दूर होगा और बुढ़ापे में भी आपको जवानी का एहसास रहेगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है टिप्पणी कीजिए, कृपया व्हाट्सएप या फ़ोन के ऊपर न उलझें, बेहतर होगा। काफ़ी लड़के होते हैं जो हमें परेशान ज़्यादा करते हैं, फालतू के सवाल ज़्यादा करते हैं, सबको जवाब देना हमारे लिए कठिन है। अगर आपकी कोई टिप्पणी होगी, टिप्पणी से संबंधित आपको अगर कोई वीडियो आप आग्रह करेंगे तो हो सकता है हम आपको फ्री वाली सेवाएं उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।